फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सोया बड़ी बनाने वाले हैं, सोया चंक्स की सब्जी। ऐसे तो आपने बहुत बार ये सब्जी बनाई होगी, पर एक बार ये मेरे तरीके से सब्जी बना के देखिए। बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार होती है और बहुत अच्छी लगती है। ऐसे तो सोयाबीन सबको पसंद नहीं होती, पर इस तरीके से बनाएंगे तो सभी लोग सोयाबीन की सब्जी खाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए, यहाँ पर 4 बड़े साइज़ के टमाटर को मैंने काट लिया है मोटा मोटा, और प्याज है 2 बड़े प्याज है, 2 हरी मिर्च है, और 1 इंच अदरक को काट लिया है, 8-10 लहसुन की कड़ियाँ है, और यहाँ पर जीरा मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है। मसाले मैंने ज़्यादा नहीं लिए हैं, टमाटर और प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा है ग्रेवी के लिए। और इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे, एकदम पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पर ये सोया चंक्स, सोया बड़ी को मैंने गर्म पानी में भिगो के रख लिया था, ये सॉफ्ट हो चुकी है। और आप चाहें तो गर्म पानी में इसे उबाल भी सकते हैं, और इसे हमें एकदम अच्छे तरीके से पानी निचोड़ लेंगे और 2-3 बार हम इसे धो लेंगे। और ये 4 आलू को मैंने बॉईल करके रख लिया है, आप चाहें तो सिर्फ सोया बड़ी की भी सब्जी बना सकते हैं। चलिए उसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें हम डालेंगे ऑयल, कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल डाला है, 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर सरसों का तेल डाल, तेल गर्म हो चुका है, और सोया बड़ी को मैंने अच्छे से धो लिया है, उसका पानी निचोड़ लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे, फ्राई करके बनाइए, बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। जितनी भी इसकी जो अजीब सी स्मेल इसमें से आती है वो ख़त्म हो जाती है। इस तरीके से फ्राई करके बनाएंगे तो एकदम इसको हम गोल्डन होने तक इसे हम फ्राई करेंगे तेल में, हाई फ्लेम पे, लो फ्लेम पे नहीं। और ये देखिए ये गोल्डन और क्रिस्प हो गई, बस इसे हम तेल से निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे। और इसने पूरा तेल नहीं सोखा है क्योंकि हमें इस हाई फ्लेम पे इसे फ्राई किया है, लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो सारी तेल ये सोख लेंगे। और इसे हम बाहर निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे तेल से। यहाँ पर मैंने सारे सोया बड़ी को तेल से अलग कर लिया है, और जो हमने आलू उबाल करके रखा था उसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है बड़े साइज़ में, और उसे भी हम एकदम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। इस तरीके से सब्जी में बहुत अच्छी स्वाद आएगी। और जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे मैंने उसको भी पीस के रख लिया है, और ये देखिए ये गोल्डन हो चुकी है। अब इसे भी हम निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे। देखिए फिर भी 2 चम्मच ऑयल में से ही हमारी ऑयल बच चुकी है, इसी में हम आगे का प्रोसेस करेंगे, इसी में हम ग्रेवी बनाएंगे। ज़्यादा ऑयल हमने ऐड नहीं किया है, बस तेल गरम है और अलग से तेल नहीं डालना है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 1 तेज़ पत्ते, उसको मैंने 2 टुकड़ों में कर लिया है। थोड़ा सा हम जीरा को चटकने देंगे, और टमाटर, प्याज, लहसुन, जीरा और हरी मिर्च की पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे, और इसे हम भूनेंगे। और कुछ सूखे मसाले हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से, सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर मैंने नमक डाला, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। यहाँ पर 1/2 चम्मच से कम मैंने हल्दी पाउडर डाला, और 1/2 चम्मच यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर डाला, और सबको हम चला लेंगे। और गरम मसाला का पाउडर 1 चम्मच मैंने यहाँ पर डाला है, क्योंकि मसाले में हमने गरम मसाला और काली मिर्च का यूज़ नहीं किया है, इसीलिए कोई से भी ब्रांड का गरम मसाला या घर की गरम मसाला डाल के हम भून लेंगे। तेल अलग होने तक हम मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। और ये देखिए ये अच्छी तरीके से भून चुकी है, और इस तरीके से चिपक रही है। आप तो थोड़ा थोड़ा तेल तो हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, इसीलिए आप थोड़ा सा पानी डाल दें और फिर इसे भूने, फिर चिपक रही है तो फिर थोड़ा सा पानी डालें और इसे अच्छी तरीके से भून लीजिए। और ये भून चुकी है, और जो हम लोगों ने सोया बड़ी और आलू रखा था वो हम मसाले में डालेंगे। और 2 आलू मैंने छोटी सी रख ली, ये आलू बड़े काम के हैं हमारे सब्जी के लिए। और सबको हम 5 मिनट के लिए मसाले के साथ हम भून लेंगे। और ये भून चुकी है, 2 से 3 मिनट तक इसे भून ली अच्छी तरीके से। फिर हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे अपने सब्जी में,
और जो आलू मैंने रखा था उसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया, ये देखिए। और एक कप पानी डाल के इसमें ग्रेवी के लिए मैंने डाल दिया। इस तरीके से सब्जी जो है एकदम अच्छी ग्रेवी बनेगी, थिक बनेगी। वो आलू जो हमने मैश करके डाला था, पानी अलग नहीं होगी। और अभी आप सब्जी की टेक्सचर देख सकते हैं कितनी अच्छी टेक्सचर आई है सब्जी की, एकदम ग्रेवी भी गाढ़ी गाढ़ी अच्छी लग रही है एकदम होटल की तरह। और इसे हम ढक के एकदम लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि सोयाबीन गलने में टाइम नहीं लगती। और ये देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी लग रही है, तेल अलग हो चुकी है, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल दिया है, आप धनिया के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही यम्मी सब्ज़ी बन के तैयार हुई है, सोयाबीन और आलू की। इस तरीके से बनाएंगे, बच्चे बड़े जो नहीं खाते हैं सोयाबीन सब खाएंगे। और ये तो हाई ऑफ प्रोटीन होता है सोयाबीन, आप एक बार इस तरीके से ज़रूर सोयाबीन को ट्राई करें। और आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है देखने के बाद तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।